नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्यापार लर्निंग हब में, जहां हम आपके लिए लाते हैं नए नए वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यापार में आप अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे और कितनी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आज के टाइम में बैंक अकाउंट हर एक बिजनेस के लिए जरूरी होता है, ताकि आप अपने पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सेपरेट भी रख सकें। तो चलिए देखते हैं कि व्यापार में आप ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यापार ओपन कर लेफ्ट मेन्यू में कैश एंड बैंक सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एड योर फर्स्ट बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस बटन पर क्लिक कर दें। इससे आपकी एड बैंक अकाउंट की स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ आपको सभी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे अकाउंट डिस्प्ले नेम, यानी कि व्यापार में आप इस अकाउंट को किस नाम से देखना या मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ICICI बैंक लिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जिस दिन आप व्यापार में बैंक अकाउंट क्रिएट या ऐड कर रहे हैं, उस वक्त या उस डेट को आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 25,000 यानी कि 25,000 लिखा है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन डेट सिलेक्ट करना होगा। नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला प्रिंट UPI QR कोड ऑन इनवॉइसेस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपका पेमेंट इस बैंक अकाउंट में करें और उसके लिए उन्हें परेशान भी ना होना पड़े, तो आप इसका UPI QR कोड इनवॉइस पर प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए इस ऑप्शन को ऑन कर दें। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, जिन्हें आपको फिल करना होगा, जैसे कि UPI ID, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम। ये सभी डिटेल्स फिल कर दें। IFSC कोड एंटर करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके बैंक का नेम ऐड कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है प्रिंट दिस बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन इनवॉइसेस, यानी कि आपकी ये बैंक डिटेल्स आपके इनवॉइसेस पर प्रिंट हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट होल्डर नेम, इसे भी फिल कर दें। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप यहां इन्फो आइकन पर क्लिक कर इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल्स में जान सकते हैं। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। तो आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और अब आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट में आपने जितने भी बैंक अकाउंट्स ऐड किए होंगे उनकी लिस्ट मिलेंगी। तो यहाँ ऐड बैंक अकाउंट बटन पे क्लिक कर अब आप मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं और अपना पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट सेपरेटली भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात कि आप सेम डिस्प्ले नेम से मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते। अगर बनाए भी तो सिस्टम आपको एरर मैसेज दिखाएगा। आपको डिस्प्ले नेम अलग रखना होगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऊपर आपको बैंक की डिटेल्स दिखाई देंगी, उसके सामने शेयर आइकन पर क्लिक कर आप डायरेक्ट अपनी बैंक डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर भी कर सकते हैं। और राइट में आपको ट्रांसफर मनी का बटन दिखेगा, जहां से आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको बैंक के ट्रांजैक्शंस की लिस्ट भी मिलेगी। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ट्रांजैक्शंस कैसे करें और उसका स्टेटमेंट आप कैसे देख सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।